हाय गाइस, कंप्यूटर फंडामेंटल के आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टॉप 100 MCQ क्वेश्चंस और आंसर्स। अगर आप कंप्यूटर यूज़र हैं या एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कई बार रिपीट किए गए हैं तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, Which hardware component can produce a hard copy? इनमें से कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करता है? करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A light sensitive device that converts drawing, printed text or images into digital form is known as, उसे कहा जाता है स्कैनर। स्कैनर एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो क्या करता है, किसी भी ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम स्कैनर का है। डैश इज यूज्ड टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर। अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में हेडर और फुटर का यूज़ करना चाहते हैं तो इनमें से किस ऑप्शंस का यूज़ करके आप करेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर इंसर्ट टैब में आप जाके हेडर और फुटर अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में। Dash are the places in your document where one page ends and a new page begins. इसे कहा जाता है पेज ब्रेक। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या डॉक्यूमेंट में आप कह लीजिए ऐसा प्लेस होता है जहाँ से एक पेज ख़त्म होता है और नया पेज वहीं से स्टार्ट होता है। इसे कहा जाता है पेज ब्रेक और इसे आप देख पाएंगे MS Word में। Which of the following is an example of image file? इनमें से कौन सा इमेज फाइल का एग्जाम्पल है, फाइल एक्सटेंशन है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा थर्ड नंबर .jpg। MP3 एंड वेब फाइल्स आर एग्जाम्पल ऑफ। MP3 और वेब फाइल्स जो होते हैं ये किसके एग्जाम्पल है? तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं ग्राफिक फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स, ऑडियो फाइल्स या फिर वीडियो फाइल्स। करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर ऑडियो फाइल्स के ये दोनों एग्जाम्पल हैं। व्हाट इज अ जंपिंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड। अगर आप एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जा रहे हैं, जंप कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है सर्फिंग। विच डिवाइस कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट। इनमें से कौन सी डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम करती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा सेकेंड नंबर मोडेम। एडिंग योर कमेंट टू अ ब्लॉग और फोरम इज कॉल्ड। इसे कहा जाता है पोस्टिंग। अगर आप किसी भी कमेंट को ब्लॉग हो या फोरम हो उसमें ऐड कर रहे हैं तो उसे पोस्टिंग कहा जाता है, यानी कि आप पोस्ट कर रहे हैं। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ओवर वेब इज नोन एज। आप अगर वेब के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो उसे कहा जाता है ई कॉमर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू होस्ट वेबसाइट। अगर आप वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं तो इनमें से किस ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी? तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर वेब सर्वर। बैकअप प्रोसीजर्स हेल्प्स इन। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बैकअप प्रोसीजर जो होता है ये हमें किस लिए मदद करता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर स्टोरिंग द डेटा फाइल्स व्हेनेवर देयर इज अ सिस्टम क्रैश। अगर सिस्टम क्रैश हो जाए, हमारा डेटा हमारे कंप्यूटर सिस्टम से उड़ जाए, तो जो बैकअप का प्रोसीजर होता है ये उसे रीस्टोर करने में उस फाइल को मदद करता है। 1 MB इज इक्वल टू। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 MB किसके बराबर होता है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर 1024 KB के बराबर होता है 1 MB। वर्ड ब्रैप अलाउस यू टू टाइप टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट हैविंग टू प्रेस द रिटर्न की। वर्ड ब्रैप फीचर जो होता है अगर आप इसे कंप्यूटर में अलाउ कर देते हैं तो किसी भी टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं बिना रिटर्न की को प्रेस किए हुए। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है MS Excel में, क्योंकि अगर आप एक लाइन लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएंगे, वहाँ पे आपको वर्ड ब्रैप की ज़रूरत पड़ती है। इन MS Word एरो कीज कैन बी यूज टू, एमएस वर्ड में हम एरो की किस लिए यूज कर सकते हैं? राइट आंसर है हमारा डी नंबर, मूव द कर्सर इन द टेक्स्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन एंटर्ड। जो भी टेक्स्ट हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी लिख दिया है हमने, उसी के लिए हम एरो की का यूज करते हैं लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम में जाने के लिए। In facts, other programs and modifies them. This copy of infected program can damage other program also is known as virus. वायरस क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसे इन्फेक्ट करता है और मॉडिफाई भी कर देता है, और ये इन्फेक्टेड प्रोग्राम क्या करता है, अदर प्रोग्राम्स जो होते हैं उसे भी डैमेज करने का काम करता है। कौन? वायरस। अ कंप्यूटर वायरस इज, अब कंप्यूटर वायरस क्या है इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर है हमारा सेकेंड नंबर, प्रोग्राम दैट स्प्रेड इटसेल्फ एंड डिस्ट्रॉय अदर प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है जो अपने आप हमारे कंप्यूटर सिस्टम में फैलता है और अदर प्रोग्राम्स जो होते हैं उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। Which of the following device do you use to save files? अगर आप किसी भी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो इनमें से किस डिवाइस को आपको यूज करना होगा, करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर है हमारा ए नंबर, कॉम्पैक्ट डिस्क। Which of the following program compresses large file into a small file? इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो किसी भी लार्ज फाइल को स्मॉल फाइल में कॉम्प्रेस कर देता है? राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, विनजिप। व्हिच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ब्राउजिंग डेटा? किसी भी डेटा को ब्राउजिंग करने के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का यूज होता है? राइट आंसर है हमारा फोर्थ नंबर, HTTP। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है हमारा ये क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? HTTP का पूरा नाम क्या होता है? राइट आंसर होगा यहाँ पे बी नंबर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इन HTTPS द लेटर्स S स्टैंड्स फॉर, HTTPS जो होता है इसमें S का मतलब क्या होता है? राइट आंसर है यहाँ पे सेकेंड नंबर, सिक्योर। जब भी आप नेट चलाते हैं तो देखिएगा इंटरनेट पे आपको हमेशा देखने मिलता है HTTP HTTPS, ठीक है। तो हमने फुल फॉर्म भी बता दिया और S का मतलब होता है सिक्योर। इफ कंप्यूटर डिस्प्ले रॉन्ग डेट एंड टाइम यू कैन रीसेट इट बाय यूजिंग। अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम आपको गलत डेट और टाइम बता रहा है तो आप इसे रीसेट कर सकते हैं कंट्रोल पैनल का यूज करके। द हार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, अगर क्वेश्चन आए ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम तो भी दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ए नंबर, CPU। CPU ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट और ब्रेन दोनों है। द एब्रिविएशन ऑफ CPU, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आए CPU स्टैंड्स फॉर या फिर व्हाट इज CPU, सारे क्वेश्चन का एक ही मतलब है। यहाँ पे राइट आंसर है हमारा सेकेंड नंबर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि CPU का फुल फॉर्म क्या है। CPU itself has following dash components, CPU में कौन कौन से components होते हैं? राइट आंसर है all of the above, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी आपको CPU में देखने को मिल जाएंगे। मेमोरी यूनिट को स्टोरेज यूनिट भी कहा जाता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाएगा CU, MU, ALU और सभी, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी ऑप्शंस पे टिक लगा देना है। व्हिच यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शंस डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, इनमें से कौन सा यूनिट है जो क्या स्टोर कर सकता है? किसी भी इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को और हमें रिजल्ट देता है। राइट आंसर है हमारा सेकेंड नंबर, स्टोरेज यूनिट, जिसे हम मेमोरी यूनिट भी कहते हैं। CPU कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, जो हमारा CPU होता है ये कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के जो भी ऑपरेशंस होते रहते हैं बेसिकली उसे कंट्रोल करने का काम करता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ट्रू फॉल्स, कैन बी ट्रू और फॉल्स कांट से, तो राइट आंसर क्या होगा ए नंबर ट्रू। हाँ, जो सीपीयू है ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के सभी पार्ट्स के ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। व्हिच मोड लोड्स मिनिमल सेट ऑफ ड्राइवर्स व्हेन स्टार्टिंग विंडोज, राइट आंसर होगा यहाँ पे सेकेंड नंबर सेफ मोड। ये क्या कर सकता है, मिनिमल सेट ऑफ ड्राइवर्स को लोड कर सकता है जब हमारा विंडोज स्टार्ट होते रहता है। यू शुड चूज स्लीप ऑप्शन व्हेन, आपको स्लीप ऑप्शन चूज करना चाहिए जब यू आर लिविंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड वांट टू रिज्यूम योर वर्क शॉर्टली, जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो भी काम कर रहे हैं उसे थोड़े समय के लिए पॉज करना चाहते हैं और बहुत ही जल्द उसे स्टार्ट करना चाहते हैं, तब आपको स्लीप ऑप्शंस का यूज करना चाहिए। आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपको मिलता है रीस्टार्ट, शटडाउन, सेफ मोड, स्लीप, ये सभी। तो आपको स्लीप ऑप्शन कब यूज करना चाहिए, जब आप थोड़े समय के लिए रुकना चाहते हैं और फिर अपने काम को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, हम ये उम्मीद करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप उसे कमेंट में लिखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अवेलेबल इन फ्री डोमेन, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री डोमेन में अवेलेबल है, राइट आंसर होगा यहाँ पे फोर्थ नंबर रेड हैट लिनक्स। द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है, क्या है, राइट आंसर होगा यहाँ पे सेकेंड नंबर अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग। यूनिक्स, डोस, विंडोज आर एग्जाम्पल ऑफ, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, हमारा राइट आंसर होगा थर्ड नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने सुना होगा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एग्जाम्पल है। हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ ईमेल, जो हम ईमेल करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो इस कॉन्सेप्ट को किसने लाया था, किसने ईमेल को डेवलप किया था, राइट आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर रे टॉमलिंसन। व्हाट टाइप ऑफ डेटा कैन यू सेंड बाय ईमेल, अगर आप ईमेल करते हैं तो किस किस तरह का डेटा आप ईमेल कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स या फिर ये सभी, राइट आंसर होगा हमारा ये सभी। आप ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स सभी ईमेल के थ्रू किसी को भी सेंड कर सकते हैं। व्हाट डज बीसीसी मीन्स इन ईमेल, अगर आप ईमेल करते होंगे तो आपने देखा होगा कि बीसीसी रहता है, तो उसका बेसिकली पूरा नाम क्या होता है, क्या मतलब होता है, राइट आंसर हमारा फर्स्ट नंबर ब्लाइंड कार्बन कॉपी उसे कहा जाता है। अ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ऑल डेटा पास थ्रू अ सेंट्रल कंप्यूटर इज, राइट आंसर होगा यहाँ पे थर्ड नंबर स्टार टोपोलॉजी। इन कंप्यूटर डिस्क डिफ्रेगमेंटर इज, कंप्यूटर में डिस्क डिफ्रेगमेंटर का क्या मतलब होता है, राइट आंसर होगा यहाँ पे ए नंबर रिग्रुप्स पीसेस ऑफ फाइल टुगेदर ऑन हार्ड ड्राइव। द बेयर मशीन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, कंप्यूटर सिस्टम के बेयर मशीन को क्या कहा जाता है, राइट आंसर होगा यहाँ पे थर्ड नंबर हार्डवेयर। द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैपिंग आईपी एड्रेसेस टू यूनिक यूआरएल, इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, किस लिए, फॉर मैपिंग आईपी एड्रेसेस टू यूनिक यूआरएल, राइट आंसर होगा ए नंबर डोमेन नेम सिस्टम। आईपी स्टैंड्स फॉर, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, राइट आंसर होगा सेकेंड नंबर इंटरनेट प्रोटोकॉल। व्हाट इज अ यूआरएल, अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा, आपने कई बार फेस किया होगा, यूआरएल का नाम सुना होगा, इसका मतलब होता है द एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ये यूआरएल का पूरा मतलब होता है। Which of the following views is the best view to use when setting transmission effects for all slides in a presentation? देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन इस क्वेश्चन को एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। अगर आप ऐसे जगह पे काम करने जा रहे हैं जहाँ पे आपको पीपीटी बनाना पड़े, प्रेजेंटेशन देना पड़े। देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है जब आप किसी भी प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड्स में ट्रांसमिशन इफेक्ट्स को अप्लाई करना चाहते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 3rd नंबर, स्लाइड सोटर व्यू। ये सबसे बेस्ट व्यू है, तरीका है। ASCII स्टैंड्स फॉर, इसका पूरा नाम क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 3rd नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB? USB का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से कमेंट में लिखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पता है क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने अपने एक वीडियो में बताया था। राइट आंसर होगा यहाँ पे 3rd नंबर, यूनिवर्सल सीरियल बस। GUI स्टैंड्स फॉर इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। जो भी कंप्यूटर हम यूज करते हैं, अपने कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें GUI का पूरा नाम क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा हमारा 2nd नंबर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इन अ मोबाइल फोन, सिम स्टैंड्स फॉर, जो हम अपने मोबाइल में सिम यूज करते हैं उसका पूरा नाम क्या होता है? 2nd नंबर, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये सिम का पूरा नाम है। कई लोग हैं जिन्हें नहीं पता है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर का एग्जाम दे रहे हैं तो इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइसेस, विच डिवाइस इज यूज्ड इन नेटवर्क लेयर? करेक्ट आंसर क्या होगा? राउटर। राउटर को हम यूज करते हैं नेटवर्क लेयर में। ALU एंड CU बोथ हैव स्पेशल स्टोरेज लोकेशंस इज कॉल्ड। देखिए हमारे CPU में ALU CU दोनों होता है, दोनों के पास एक स्पेशल स्टोरेज डिवाइस है, लोकेशन है, जिसका नाम क्या है? 3rd नंबर, रजिस्टर्स। HTML कॉमनली रेफर्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स फॉर। HTML जो होता है ये किसके लिए डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, बेसिकली क्वेश्चन का ये मतलब है। राइट आंसर होगा यहाँ पे 2nd नंबर, www, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप बताएंगे। जल्दी से कमेंट में लिखिए। HTML स्टैंड्स फॉर, अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये हम आपको बता देते हैं। 2nd नंबर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अ बग इन अ प्रोग्राम इज, किसी भी प्रोग्राम में बग का क्या मतलब होता है? राइट आंसर होगा यहाँ पे A नंबर, एरर। जब एरर का हम यूज करेंगे तो एन एरर लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप प्रोग्रामिंग में काम करें, प्रोग्राम कोई भी बना रहे हैं, वहां पे बग है, मतलब एरर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर, इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? A नंबर, गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है ये किस तरह का टाइप है, किसका टाइप है? राइट आंसर होगा 4th नंबर, ब्राउजर। ये एक ब्राउजर है। टू रीड अ CD-ROM डिस्क यू नीड अ, अगर आप CD-ROM डिस्क को रीड करना चाहते हैं तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? राइट आंसर होगा A नंबर, लेजर बीम। डायरेक्ट एक्सेस ऑफ अ फाइल इज नोन एज, किसी भी फाइल को डायरेक्ट एक्सेस का क्या मतलब होता है, ये किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा यहाँ पे 3rd नंबर, रैंडम एक्सेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज MS-DOS एक्सटर्नल कमांड, इनमें से MS-DOS का एक्सटर्नल कमांड कौन सा है? राइट आंसर यहाँ पे होगा 3rd नंबर, फॉर्मेट। Which country has the largest internet users? इस क्वेश्चन को एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन सा कंट्री है जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट के यूजर्स हैं, इंटरनेट यूज किया जाता है। राइट आंसर है 2nd नंबर, चाइना। फोरट्रान इज कॉल्ड, कंप्यूटर में फोरट्रान का क्या मतलब होता है? फोर्थ नंबर फॉर्मूला ट्रांसलेटर। हाउ मच डेटा डज अ स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क होल्ड, जो फ्लॉपी डिस्क होता है ये कितने डेटा को स्टोर कर सकता है? राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर 1.44 MB। व्हाट डज ISP स्टैंड फॉर, कंप्यूटर में ISP का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड नंबर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। व्हाट डज TCP स्टैंड फॉर, TCP स्टैंड फॉर क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। व्हाट वॉज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज, कौन सा फर्स्ट कंप्यूटर है जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था? करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर एनालिटिकल इंजन। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज मेड इन, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था किस ईयर में बना था, बेसिकली क्वेश्चन का ये मतलब है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए नंबर 1946 में। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम था? राइट आंसर होगा यहाँ पे सेकेंड नंबर अर्पा नेट। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें 70+ फुल फॉर्म कवर किए हैं, अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करती है? राइट आंसर होगा यहाँ पे थर्ड नंबर अ मोडेम। कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो किस तरह का होता है? राइट आंसर यहाँ पे ए नंबर सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि एक तरफ से होता है। अ मेथड ऑफ इंश्योरिंग इंटीग्रिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, किसी भी डॉक्यूमेंट के इंटीग्रिटी को कौन इंश्योर करता है, कौन शो करता है, इस मेथड को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है हमारा फोर्थ नंबर डिजिटल सिग्नेचर्स। फॉर्मेटिंग अ डिस्क मीन्स, डिस्क को फॉर्मेट करने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे राइट आंसर होगा सेटिंग अप सेक्शंस ऑन द डिस्क टू स्टोर द फाइल्स इन, थर्ड नंबर राइट आंसर होगा। अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट adds additional capabilities and functions to a computer's hardware is, ऐसा कौन सा printed circuit board है जो क्या adds करता है additional capabilities and functions, कहाँ? computers hardware में। तो right answer यहाँ पे होगा second number expansion board कहा जाता है इसे। Which of the following is an impact printer, इनमें से कौन सा impact printer है? राइट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर डायसी व्हील प्रिंटर। ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो राइट आंसर क्या होगा फोर्थ नंबर ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। पहला है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे होगा सेकेंड नंबर लेजर प्रिंटर। ये एक इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि प्रिंटर जो होता है ये एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे हम अपने कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं। विच MS विंडोज प्रोग्राम डू यू यूज टू मैनेज फोल्डर्स एंड फाइल्स, हम MS विंडोज़ के किस प्रोग्राम का यूज़ करते हैं अपने फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए? राइट आंसर होगा यहाँ पे सेकेंड नंबर विंडोज़ एक्सप्लोरर, यहाँ पे हमारे जो भी फाइल्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ये सभी रहते हैं, हम यहाँ से इसे मैनेज करते हैं। इन डेटाबेस ACID, एसिड स्टैंड्स फॉर, राइट आंसर यहाँ पे होगा थर्ड नंबर, एटमोसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, थर्ड नंबर करेक्ट आंसर होगा, ये एसिड का पूरा नाम होता है। द शॉर्टकट की फॉर पेस्टिंग कॉपीड कंटेंट इन अ डॉक्यूमेंट, अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी कॉपी करके रखे हैं उसे पेस्ट करना चाहते हैं तब किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, राइट आंसर होगा फोर्थ नंबर Ctrl+V, ये पेस्ट का शॉर्टकट कमांड है। व्हिच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब रैम, रैम को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं हम, राइट आंसर यहाँ पे होगा थर्ड नंबर बोथ, फर्स्ट और सेकेंड, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नीड्स रिफ्रेश, इनमें से कौन सी मेमोरी है जो रिफ्रेश मांगती है, उसमें कुछ भी काम करने के लिए आपको पहले रिफ्रेश करना पड़ता है और बार बार करते ही रहना पड़ता है बीच में भी, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा थर्ड नंबर डी रैम, और डी रैम का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, डायनेमिक रैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी मेमोरी फास्ट है, सबसे तेज है, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए नंबर कैश मेमोरी। EEP रोम यानी कि डबल EP रोम स्टैंड्स फॉर क्या होता है, करेक्ट आंसर यहाँ पे है फोर्थ नंबर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मेमोरी का क्वेश्चन है ये। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर क्लॉक इज मेजर्ड इन, अगर आप कंप्यूटर सिस्टम के घड़ी के स्पीड को मापना चाहते हैं तब कैसे मापेंगे, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सेकेंड नंबर मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज में। मल्टीमीडिया कैन कंटेन, मल्टीमीडिया किसे किसे कंटेन कर सकता है, करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक एंड वॉइस, ये सभी को। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज रिसाइड्स ऑन द कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क, करेक्ट आंसर होगा हार्ड डिस्क। रिसाइड्स का मतलब होता है कि कंप्यूटर में कहाँ पे आप उसे रख सकते हैं, बसना, ये सब इसका मतलब होता है। इन इंटरनेट that is accessible by outside workers is known as extranet। extranet एक private network है, अगर हम इसे allow करें तो ही इसका outside workers, vendors जो भी होते हैं use कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक private network है, इसमें permission की ज़रूरत होती है। an input device that uses optical character pattern टू इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट, इनमें से कौन सा है, स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो ऑप्टिकल कैरेक्टर पैटर्न्स को फॉलो करता है, यूज करता है किसी भी प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट बनाने में, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ले जाने के लिए। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज एन डैश डिवाइस, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है वो कौन सा डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू परफॉर्म स्पेल चेक, अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्पेलिंग और ग्रामर्स को चेक करना चाहते हैं तो किस की का यूज करेंगे, F7 सेकेंड नंबर। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड फॉर यूजर्स हु कैन कस्टमाइज द प्रोग्राम्स दे यूज, तो यहाँ पे होगा सेकेंड नंबर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये किस लिए डिज़ाइन किया जाता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को कोई भी यूजर्स अपने तरीके से इसे डिज़ाइन कर सकता है, कस्टमाइज कर सकता है यूज़ करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, इनमें से किस डिवाइस में सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है, करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर DVD। व्हाट इज़ अ वेबसाइट मेन पेज कॉल्ड, अगर आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसका जो फर्स्ट इंटरफेस आता है, फर्स्ट पेज आता है, उसे क्या कहा जाता है, करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर होम पेज उसे कहते हैं। व्हाट इज अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स कॉल्ड, 8 बिट्स किसके बराबर होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे राइट आंसर होगा सेकेंड नंबर, आप बाइट के बराबर होता है। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विथ अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, तो इसे कहते हैं मेल मर्ज। एमएस वर्ड में जो हम मेल मर्ज यूज़ करते हैं, ये क्या करता है, किसी भी एड्रेस, नेम, ये सभी चीज़ों को कंबाइन कर देता है। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मेलिंग वगैरह अगर आप करना चाहते हैं किसी भी कंपनी में, तो सबसे बेस्ट तरीका इसका यूज़ करके आप एक ही फॉर्मेट में रेडी कर लीजिए, फिर बस नेम और एड्रेस चेंज करते रहिए और मेल करते रहिए। अनदर टर्म फॉर मेन मेमोरी इज़, जो मेन मेमोरी होती है उसका अलग नाम क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है। करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, रैम। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप बताएंगे कमेंट में। व्हाट इज अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सेकेंड नंबर, डिवाइस ड्राइवर। ये एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अलाउस करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस को किससे कम्युनिकेट करने के लिए, रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। रिजोल्यूशन ऑफ अ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए नंबर, DPI। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है DPI स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, डॉट्स पर इंचेस। अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ यूजफुल टास्क साइमल्टेनियसली वाइल अलाउिंग डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स इज नोन एज, इसे कहा जाता है ट्रोजन हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 98 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फिर सुपरस्क्रिप्ट। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, सुपरस्क्रिप्ट। ये एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है क्योंकि इसे हम फॉन्ट में अप्लाई नहीं करते हैं। बाकी जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, इसे हम किसी भी फॉन्ट में यूज़ करते हैं, फॉन्ट को अच्छा दिखने के लिए, उसे बेटर लुक देने के लिए। टू अंडू द लास्ट वर्क इन अ कंप्यूटर प्रेस, कंप्यूटर में जो भी हम लास्ट काम किए रहते हैं अगर वो डिलीट हो जाए, उसे वापस लाने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, थर्ड नंबर, Ctrl+Z। इसे कहा जाता है अंडू, इसका नाम होता है अंडू करना। अगर आपने जैसे कुछ भी लिखा है अगर वो डिलीट हो जाए तो तुरंत आप प्रेस कीजिए Ctrl+Z, वो वापस आ जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर यूज़ ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+Y, कंप्यूटर में हम Ctrl+Y किस लिए यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा रीडू। Ctrl+Z और Y ये दोनों का एक साथ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। रीडू का मतलब ये है, पहले इसको समझिए कि अगर आपने कुछ भी लिख के रखा है और वो डिलीट हो जाता है तो तुरंत आप प्रेस करते हैं Ctrl+Z, तो वो वापस आ जाता है। लेकिन आप उसे अगर फिर से हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो Ctrl+Y यूज़ कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको MS Office, टैली, कंप्यूटर रिलेटेड, GK, सभी तरह के MCQ क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।